हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको साल 2020 के अंदर आने वाली नई नई वैकेंसीज की जानकारी देता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी कोई नई पोस्ट का वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड, चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद कांगड़ी, जो कि तेलंगाना के अंदर है, उससे संबंधित है। एडवर्टाइजमेंट नंबर IITS 2020, रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग की है ये, और 8 नंबर है ये। तो चलिए वीडियो के बारे इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे लेवल एंड पे, यहाँ पे एज लिमिट रहेगा, ठीक है जी, और ये कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। फाइनल में हम आपको टोटल बताएंगे। पहली जो पोस्ट है वो है रजिस्ट्रार की, एक पोस्ट है जनरल के लिए। नेक्स्ट है चीफ लाइब्रेरी ऑफिसर। अच्छा, इसके लिए रजिस्ट्रार के लिए जो एज लिमिट है वो 55 ईयर्स है। चीफ लाइब्रेरी ऑफिसर 50 जो एज लिमिट है, टोटल एक पोस्ट है। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एज लिमिट 50 है, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, टोटल 2 हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एज लिमिट है 45 है, टोटल 1 वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर Grade 2 एज लिमिट 45, अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल 1 है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन एज लिमिट 45, आप साथ ही यहाँ पे जो पे लेवल है वो भी देखते जाए, ठीक है जी, अनरिजर्व के लिए है, 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव, लेवल 11 है, 45 एज लिमिट है, टोटल 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पे लेवल 10 है, एज लिमिट 45 है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 1 है। नेक्स्ट है जी स्पोर्ट्स ऑफिसर Grade 1, लेवल 10 रहेगा, एज लिमिट 45 है, और ये OBC के लिए 1 है और जनरल के लिए 4 है, टोटल 5 है। नेक्स्ट है मेडिकल ऑफिसर Grade 1, लेवल 10 रहेगा, एज लिमिट 45 है, अनरिजर्व के लिए 1 है, टोटल 1 है। लेडी मेडिकल ऑफिसर Grade 1, लेवल 10 रहेगा, एज लिमिट 45 है, जनरल के लिए है, मतलब अनरिजर्व है, टोटल 1 है। टेक्निकल ऑफिसर Grade 1, लेवल 10 है, एज लिमिट 45 है, अनरिजर्व के लिए 2 है, टोटल 2 है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यहाँ पे फ्रेंड्स स्टार लगा हुआ है, तो एक बार आप यहाँ पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में हम आप देखिए लिंक पे वैकेंसी है, इसका आपको ध्यान देना है। जहाँ जहाँ पे भी जिस पोस्ट पे स्टार लगा हुआ आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है जी, टोटल 4 हैं ये। नेक्स्ट है बायोसेफ्टी ऑफिसर, 1 पोस्ट है। वेटरनरी डॉक्टर, 1 पोस्ट है। फिजियोलॉजिकल काउंसलर, 1 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 3 पोस्ट हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 18 हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 2 हैं। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट असिस्टेंट के लिए 2 हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1 है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 1 है। लेडी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 1 है। JEE सिविल के लिए 3 है। JEE इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 6 है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 36 है। मल्टी स्किल असिस्टेंट Grade 1 के लिए 22 है, और टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए टोटल 26 है। ये यहाँ पे आप एक ग्रेड पे देखिए, इनका यहाँ पे एज लिमिट है और ये कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। ये अगर आपके जैसे SC4 शेड्यूल कास्ट, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये अब्रीवेशंस जो यूज्ड हुए हैं वो हैं एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। ये यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, आप यहाँ पे देखती जाए। ये डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए हैं, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए हैं,
ये टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए हैं, ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए हैं जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस एंड 5 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन ए लाइब्रेरी, डिजायरेबल पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग और पीजीडीसी और इक्विवेलेंट। ठीक है जी, देख लीजिए आप, या पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर लाइब्रेरी। नेक्स्ट है नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वालिफिकेशन रहेगी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, ये रहेगी। स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए ये रहेगी, ये मेडिकल ऑफिसर, लेडी मेडिकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स और एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स एस्टेब्लिशमेंट एकेडमिक मटेरियल मैनेजमेंट होस्टल एडमिनिस्ट्रेशन लीगल सर्विसेज अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज, या फिर एटलीस्ट 7 ईयर्स इन पे लेवल 6 होना चाहिए। और में भी दिया गया है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन पे लेवल 7 एंड 8 और अपो, या फिर CMA CS विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है बायोसेफ्टी ऑफिसर के लिए, वेटरनरी डॉक्टर के लिए, ये साइकोलॉजिकल काउंसलर के लिए, ये असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, ये है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री विद 55% मार्क्स या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद फर्स्ट क्लास और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, लेडी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है जूनियर जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, जूनियर अकाउंटेंट में बी कॉम विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स एंड 2 ईयर ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो बस ये जूनियर टेक्नीशियन मल्टी स्किल असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट जनरल टेक्निकल सुप्रिटेंडेंट, इनको सी टेबल नंबर 1, 2 एंड 3 ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एरिया वाइज हैं यहाँ पे। ठीक है जी, विद बीटेक आप यहाँ पे देखते जाइए। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये चाहिए, सेंट्रल वर्कशॉप केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, CMD इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए, यहाँ पे देखते जाइए आप, ये कंप्यूटर सेंटर के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, डिज़ाइन के लिए, सभी के लिए, मतलब जिस जो पोस्ट रिलेटेड टू द रिलेवेंट सब्जेक्ट ही क्वालिफिकेशन मांग रखी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर ये चीज़ आपको बस थोड़ी ही नोट करनी है। लाइब्रेरी आर्ट्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिजिक्स। नेक्स्ट है जो टेबल नंबर 2 है, मल्टी स्किल असिस्टेंट कारपेंटर, इलेक्ट्रिकल, जनरल प्लम्बर, इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट है टेबल नंबर 3 टेक्निकल सुप्रिटेंडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक एमसीए विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, बीटेक के एमसीए होना चाहिए। डिज़ाइन के लिए बैचलर डिग्री इन डिज़ाइन या फाइन आर्ट्स, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, एमटेक। तो यहाँ पर ये सभी देखिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए मैं आपको बता दूं,
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओनली. ऑफलाइन एप्लीकेशन इफ सबमिटेड विल बी सम रिजेक्टेड. ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन कैन बी एसेस थ्रू द लिंक, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है, वहाँ से आप सारी जानकारी जुटा सकते हैं. जो लिंक है वो मैं आपको बता देता हूँ. लिंक है recruitment.iithshhorhyderabad.ac.in. ये लिंक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है. और अप्लाई करने से पहले आपको सभी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से देखना है, समझना है. नेक्स्ट है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टेस्ट इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन. दे मस्ट इंश्योर दैट सच इंफॉर्मेशन इज ट्रू. इफ एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज और एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम और एनी क्लेम मेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स, देयर कैंडिडेचर will be liable to be rejected. Next, calling a candidate for the test interview indicates that if it fails, that he see with others may be suitable for the post and conveys no assurance whatsoever that he see will be recommended or selected or his conditions specified in the application will be rejected. ठीक है जी. और अगर कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पाई जाती है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है. सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से देखना है. लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 17 फरवरी 2020 टिल 5 PM. 17 फरवरी 2020 है, इस चीज़ को आपको नोट करना है. इससे पहले पहले आपको सभी फॉर्म अपने जमा करने हैं. फ्रेंड, यहाँ पर हमने आपको नॉन टीचिंग IIT हैदराबाद में जो रिक्रूटमेंट है उनके संबंध में आपको जानकारी प्रदान की है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं. आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. दोस्तों, पसंद आया है तो मुझे लाइक करके बताइए और अपने साथियों के साथ भी आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.